हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो चलिए, कल के एक ही वीडियो का कमेंट्स में लेके आई हूँ क्योंकि दूसरा वीडियो मैंने आज सवेरे छोड़ा है, अभी कुछ देर हुआ है मैंने छोड़ा है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुनिएगा। तो सबसे पहले मैं शौकीन जी जो अलवर से लिख रहे हैं उनका मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, शौकीन जी ने, मुझे तो लगता है पंडित की लड़की भाग सकती है, अब अंकित की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, तभी पंडित समर को छोड़ सकता है। अब अंकित और अंकित के पापा को बुलाना बहुत ज़रूरी है, पंडित की लड़की किडनैप रहेगी तो ही पंडित समर को छोड़ सकता है। अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, पंडित की लड़की भाग गई, आपने सही कहा। और पंडित की लड़की भागने के बाद अब तो 50 लाख देने ही पड़ेंगे, 40-50 के नीचे तो बात ही नहीं होगी। उसके बाद हिमेश जी ने लिखा है, अच्छा मुझे लाइक और नमस्ते किया है, थैंक यू सो मच हिमेश जी, आपको ही नमस्ते। समीर जी ने लिखा है, आपका फैसला बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर गीता जी ने लिखा है, सिस्टर और आपने हाथ दिया है, थैंक यू गीता जी। फिर अफजल हुसैन जी ने लिखा है, चे नहीं है ना तो बी अ ग्रेट डे जिम एंड आई हैव अ ग्रेट डे जिम एंड आप क्या लिखे मुझे समझ में नहीं आया, जिम के बारे में लिखे, प्लीज़ मेरे को कमेंट कर बताइएगा आप क्या लिखे। गीता जी ने फिर लिखा है, सिस्टर वेरी गुड, थैंक यू सो मच गीता जी। शशि ने लिखा है, बिल्कुल सत्य बात, थैंक यू सो मच शशि जी। रेणु गुरंग जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर रेणु अनेजा जी ने लिखा है, यहाँ तो दिमाग ही बहुत कमी है, यहाँ सच में दिमाग की बहुत कमी है। फिर हेमा जी ने लिखा है, दीदी दे बोथ आर फुलिश बाय ओनली कीपिंग हर, ईदर अंकित और ध्रुव शुड हैव बीन विद देम, इवन राधिका मम्मी वुड हैव केप्ट हर इन क्लोज डोर, शुड नॉट ब्रिंग द गर्ल बिफोर हर फादर, दिस बोथ कांट डू एनीथिंग अलोन, दे बोथ आर विद अनयूज्ड ब्रेन्स, दीज टू गर्ल्स आर विद अनयूज्ड ब्रेन्स, एग्जैक्टली। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज है, कंचन जी का। कंचन ने लिखा है, सही बोला है, वेरी गुड, ये उसकी बात हो नहीं छोड़ेंगे तो समर को वो ले आएगा, समर की मॉम तो भाग गई है अपने घर अपने को बचाने के लिए, बाद में बोलेगी मुझे क्या पता, अब बाबू से परेशान मत हो, सब बच्चा यही है होता है, सुना आना पर सब सही, अच्छा समय आने पर सब सही हो जाएगा, बाय बाय बाबू, आई लव यू विथ लॉट्स ऑफ हार्ट, थैंक यू कंचन जी। थोड़ा बहुत परेशान हो जाती हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो, नहीं मैंने सबका मैसेजेस पढ़ लिया है। अब मैं एक बार अपने कमेंट की वीडियो में देख लूँ, मेरे कमेंट की वीडियो में किसी का अगर मैसेज होगा तो मैं पढ़ लूँगी। हाँ है, क्यों नहीं है, सुजाता जी का है, उन्होंने लिखा, दीदी गुनगुन की प्रेगनेंसी 11 महीना चल रहा है, बच्चा कब पैदा होगा। अब तो बच्चे को छोड़िए सुजाता जी, अब तो नया तिगरमबाजी चल रहा है, समर गायब, समर पागल हो जा रहा है, समर पंडित के कब्जे में है, अब वो कब छूटेगा उसके बाद भी बच्चे का फिर आलाप ये लोग राग आलापेंगे। फिर शांति जी ने मुझे हार्ट भेजा है, हेमा जी ने लिखा है, दीदी जस्ट कैनॉट अंडरस्टैंड, गुनगुन और राधिका ऑलवेज कॉल पुलिस एट होम फॉर वेरी स्मॉल मैटर्स एंड नाउ इट्स वेरी बिग इशू, व्हाई नॉट दे आर कॉलिंग पुलिस एंड नाउ वेर इज ध्रुव एंड इज मदर और समर मदर डिसअपीयर, अदरवाइज गुनगुन ब्रदर इज ऑलवेज वॉन्ट्स टू हेल्प गुनगुन, नाउ वेर इज ही, कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग, मी टू आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग। समीर जी ने कोलकाता से लिखा है, मुझे आपका नाम नहीं पता, मुझे लगता है ये सब आपस में मिले हुए हैं। सब तो आपस में मिले हुए ही हैं समीर जी, और मैंने आपका नाम आपको कल बता दिया। उसके बाद बस मेरे पास यही मैसेजेस थे और मैसेजेस नहीं हैं। आई होप आप लोग अपने मैसेजेस का वीडियो सुनोगे, बहुत कम ही शेड्यूल का है, मतलब 3 मिनट 56 सेकंड्स का, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन का है, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स को सुनिएगा और मुझे ऐसे बहुत बहुत प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, मेरे घर के ब्लॉग हो या मेरे शॉर्ट वीडियो हो, प्लीज़ आप लोग देखिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और हाँ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।